crying a little. Yoga. These are the Oppo Enco Buds. 1700 रुपीस के प्राइस के अंदर आने वाले ये ईयरबड्स कैसे हैं उसकी बात करते हैं। स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के अंदर आपको ये कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर आपको बड़ा बड़ा ऊपर Oppo Enco लिखा हुआ है। साइड में कुछ इससे की फीचर्स हैं, यानी कि 24 आवर की इसकी बैटरी लाइफ है। लो लेटेंसी मिलती है, यानी कि ATMS की लेटेंसी इसको वो रिड्यूस कर देता है। HD साउंड है, यानी कि बेस ड्रिवन साउंड ये बोलते हैं। 8mm के ड्राइवर्स आते हैं इसके अंदर, कहीं मेंशन नहीं है बट मेरे को पता है क्योंकि इसके फ्लिपकार्ट के ब्राउज़र में लिखा हुआ था। 5.2 लेटेस्ट जनरेशन का इसमें ब्लूटूथ मिलता है आपको। इंस्टेंट पेयरिंग मिलती है, यानी कि जैसे आपको इसकी लिड ओपन करेंगे सो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा अपने लास्ट डिवाइस से, और जैसे इसकी लिड को ऑफ करेंगे यानी कि बंद करेंगे सो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इफिशेंट होता है। इंटेलिजेंट कॉल नॉइज रिडक्शन मिलता है, यानी कि जब आप कॉल में बात करोगे सो सुनने वाले को आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर सुनेगी, नॉइज़ नहीं आएगा। सो कुछ इस तरह का बॉक्स है। बॉक्स खोलते हैं। तो बॉक्स खोलते ही आपको सामने ये हमारे ईयरबड्स मिल जाएंगे। इसको निकालते हैं तो यहाँ पर आपको दो पेयर मिलेंगे अपने जो हमारी ईयर टिप्स होती हैं, एक स्मॉल साइज़ है एक बिग साइज़ है। मीडियम साइज़ लगा हुआ है उसके अंदर, और ये कुछ हमारी यूज़र मैनुअल्स है, वारंटी कार्ड है, एंड दैट्स इट। नाउ मूविंग ऑन द डिज़ाइन। सो डिज़ाइन की बात करें तो पूरे पूरे ग्लॉसी फिनिश के अंदर आते हैं। सो ग्लॉसी फिनिश की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट होते हैं, बट इसकी जो क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप इसको सिंगल हैंड में रखना चाहें तो ये आपके हाथ में आ जाएंगे, देखो आपको दिख भी नहीं रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से पॉकेट में आ जाते हैं। और जो ग्लॉसी फिनिश है वो शाइन करता है तो अच्छा लगता है, बट गंदा भी जल्दी आता है, तो आपको एक कॉटन का क्लॉथ लेना पड़ेगा हाथ में अपने, और उससे इसको हमेशा रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा। इसकी ओपनिंग की बात करते हैं बिकॉज ये टू हैंड ऑपरेशन है, इसके अंदर सिंगल हैंड ऑपरेशन इसमें नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई सिंगल हैंड ऑपरेशन आता है क्या? नहीं, सिंगल हैंड ऑपरेशन इतना ज़्यादा ये हमने खोला इसका लिड, और लिड ओपन करते ही आपको यहाँ पर दिखते हैं ये बड्स। कुछ इस शेप के आते हैं, कैप्सूल शेप के हैं ये वाले, और ये है कुछ इसका केस अंदर से ऐसा लगता है। यहाँ पर एक छोटी सी LED लाइट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेट, सो वेट की बात करें तो ईच ईयरबड 44 ग्राम्स का मिलता है, और इसका जो वेट है ये 40 ग्राम है। सो जो ओवरऑल वेट बना है वो बनता है 48 ग्राम्स का, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप इसको पॉकेट में रखोगे तो काफ़ी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ रख रखा है, क्योंकि एक तो जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कर्वी शेप है, सो आपकी पॉकेट में वो चुभेगा नहीं, आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं करने देगा। एंड इनका भी वेट काफ़ी हल्का है, अगर आप इनको पहनोगे तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। अब जो हमारे बड्स हैं इसकी बात करते हैं। सो बड्स के अंदर भी ये यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश है पूरी बॉडी पे, अंदर मैट फिनिश है, और ये वाला पूरा टच सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर सारे टच कंट्रोल्स काम करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ओके, सो अभी इसके थोड़ा लिड का ओवरव्यू दे देता हूँ। लिड के यहाँ पर सामने आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है जो कि मल्टी फंक्शन लाइट है, मतलब इसके अंदर तीन कलर की लाइट जलती है, रेड येलो ग्रीन। अगर ये लाइट ग्रीन हो रही है मतलब आपका जो केस है वो फुल है, येलो मतलब मीडियम, एंड रेड मतलब लो, मतलब बैटरी अगर लो है तो हम यूज़ कर सकते हैं। पीछे टाइप सी पोर्ट है ताकि आप इसको चार्ज करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेयरिंग, सो पेयरिंग के मामले में इनके अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2। जैसे आप इसके लिड ओपन करते हैं सो ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। पेयरिंग मोड में जाने के बाद अपने फ़ोन में आप ब्लूटूथ को ओपन करो, वहाँ पर आपको ओप्पो इनको बड दिख जाएगा, उस पर टैप करो सो ये आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। और इसके अंदर इंस्टेंट कनेक्शन की टेक्नोलॉजी भी, यानी कि जैसे आप इसकी लिड को ओपन करोगे तो ये जो रिसेंटली कनेक्टेड डिवाइस है उससे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे इसको क्लोज करोगे सो यहाँ दोबारा से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये फिर भी पेयरिंग मोड आपको इसका अगर ऑन करना है तो जो ये बड आपको ये भी बड लो, उसके ऊपर आप अगर 4 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे सो आपका ये जो बड है ये पेयरिंग मोड के अंदर चले जाएगा। बात करते हैं टच कंट्रोल्स की। सो ये जो पूरा एरिया है बड्स के ऊपर ये वाला, ये पूरा टच कंट्रोल्स है। सो अगर आप राइट वाले ईयरबड पे सिंगल टैप करोगे सो गाना प्ले पॉज हो जाएगा, और सेम चीज़ अगर लेफ्ट पे करोगे तो वो भी हो जाएगा। राइट वाले बड्स पे अगर आप डबल टैप करोगे तो जो हमारा सॉन्ग है वो नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ट्रैक आ जाएगा, और वाइस वर्सा अगर आप लेफ्ट वाले पे डबल टैप करोगे तो जो सॉन्ग है वो प्रीवियस हो जाएगा। ट्रिपल टैप करेंगे दोनों में से किसी पे भी सो उससे गेम मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और ये छोटा सा मतलब कि इसके अंदर इंडिकेशन आता है कि गेम मोड एक्टिवेटेड, सो उससे थोड़ी सी लेटेंसी कम हो जाती है बट इतना फील नहीं होता। उसकी बात करेंगे गेमिंग टेस्ट के अंदर, टच एंड होल्ड करेंगे दोनों में से किसी पे भी सो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन हो सकते हैं। और जो इसके ऐप है मेलेडी के नाम से, ऐप सपोर्ट है इसके अंदर, उसके थ्रू आप जाके इसके ये जो जो इसके ये कंट्रोल्स हैं इसको कस्टमाइज कर सकते हैं।
नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, सो फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि अगर आपके पास या तो ओप्पो का फ़ोन होना चाहिए तो आपको ऐप की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके ब्लूटूथ के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन नहीं है सो आप नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक ऐप आती है हे मेलडी के नाम से, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको इसके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको उसके अंदर इसके बैटरी का स्टेटस पता चल जाएगा, जो इसके टच कंट्रोल्स आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, और साथ ही में जो इसके फर्मवेयर अपडेट्स हैं वो वहाँ पर आते रहते हैं, सो आप उनको भी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसके फर्मवेयर्स को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी रेंज अच्छी नहीं आ रही, लेटेंसी ज़्यादा आ रही, तो अपडेट से अपडेट करने से वो चीज़ें दूर हो जाती है। आईपी रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको IP54 की रेटिंग मिलती है, इसका मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस है और डस्ट प्रूफ भी है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर पानी डाल देंगे हल्का फुल्का, यानी कि जैसे आप जिमिंग कर रहे हैं स्वेट आ रहा है तो उससे बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, डस्ट से बच जाएंगे, डस्ट से ज़्यादा इनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाकियों में आपने देखा होगा IPX की रेटिंग होती है, इसमें IP54 की रेटिंग, यानी कि ये डस्ट प्रूफ भी है। सो अगर आप इसको बाहर जाते हैं, छोटी मोटी बारिश आ जाती है तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जल्दी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। तो एक छोटा सा लेटेंसी टेस्ट मैंने किया है, वो भी आप देख लो। सो अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लेटेंसी काफ़ी है, मतलब गेम मोड ऑन करने के बाद भी काफ़ी लेटेंसी इसमें मिल जाती है। सो अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एक प्रो गेमर हैं तो आप गेमिंग TWS यूज़ करें या वायर्ड यूज़ करें, सो वायर तो सबसे बढ़िया है। चलिए अब ऑडियो क्वालिटी और कम्फर्ट की बात करते हैं। सो ये कुछ इस शेप के आते हैं, यानी कि कैप्सूल शेप के। सो ये राइट वाला है शायद, हाँ, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है कौन सा लेफ्ट का कौन सा राइट का, सो ये राइट का है। सो कुछ इस तरह से फिट होते हैं, आपको लगाने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तो रोटेट करने के बाद ये अच्छे से आपके कान में फिट हो जाएंगे और कुछ इस तरह से आपको लुक देंगे। मैं ये वाला भी लगा लेता हूँ। ओहो ओके जी, सो अभी मैंने ये लगा लिया है और काफ़ी कंफर्टेबल है यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मैं अपना हेड शेक करूँ तो ये नहीं निकलेंगे, अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है सो आपको थोड़े बहुत ही बार बार एडजस्ट करने से पड़ सकते हैं, बट इतने नहीं हो सकते। काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है काफ़ी। अब इसके साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर साउंड क्वालिटी का आपको इसका टेस्ट दूंगा। मैंने वैसे सुन रखा है बट आपके सामने भी एक बार गाने सुनते हैं। साउंड क्वालिटी की बात करें तो पहले बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर आपको 8mm के ड्राइवर मिलते हैं, यानी कि ड्राइवर्स आपको छोटे ही मिलते हैं। सो जो छोटे ड्राइवर है ना, उसका बस एक ही छोटा सा मेजर ड्रॉबैक होता है कि जो लाउडनेस वो ज़्यादा नहीं होती, बट ये लाउडनेस मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बेस, ट्रेबल, लाउडनेस सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, कोई भी चीज़ ओवर द क्यू नहीं लगती। जो बेस है काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे बाकी आपने ईयरफोन्स में देखा होगा वो बेस इतना ज़्यादा भर देता है उसके अंदर कि कुछ देर बाद हेडेक हो जाता है गाने सुनते सुनते। सो इसके अंदर आपको हेडेक नहीं होने वाला, क्योंकि जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। बेस, ट्रेबल और लाउडनेस तीनों चीज़ें मिलकर एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है और हमें अच्छे से आउटपुट दे देती है। सो साउंड क्वालिटी के मामले में मेरे को अच्छे लगे। अगर आप हाई वॉल्यूम पे जाते हैं, यानी कि अगर आप 90% वॉल्यूम पे जाएंगे तो जो साउंड है उसमें डिस्टॉर्शन नहीं है बिल्कुल भी। डिस्टॉर्शन इस तरह से नहीं है क्योंकि अब जो साउंड है वैसे भी ज़्यादा लाउड नहीं है, बट अगर आप 60-70% पर सुनते हो तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा। 80% पर जाएंगे तब भी आपको आपका आउटपुट अच्छा ही मिलेगा, बस थोड़ा सा बेस कम हो जाएगा और ट्रैवल बढ़ जाएगा, बट डिस्टॉर्शन नहीं है बिल्कुल भी। डिस्टॉर्शन इसके अंदर है ही नहीं, एकदम क्लियर साउंड आते हैं हाई वॉल्यूम पर भी। तो कंफर्ट की बात करें तो मैंने इसको 2-3 घंटे लगातार पहना है, गाने सुने अच्छे से, सो कंफर्टेबल काफ़ी है। बस कुछ देर बाद आपको थोड़े से हर्ट होने लगे हैं, क्योंकि यार ये वाले जो डिज़ाइन होते हैं ना, ये जो ईयर प्लग होते हैं थोड़े से इरीटेट करते हैं कुछ देर बाद। और इसके अंदर आपको Dolby Atmos मिलता है, ये मैं आपको बताना भूल गया पहले। सो Dolby Atmos है, अगर आपका फ़ोन Dolby Atmos को सपोर्ट करता है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक, सो माइक क्वालिटी कैसी है। सो इसके बॉक्स में मेंशन था कि इसके अंदर इंटेलिजेंट नॉइज़ कैंसिलेशन फॉर कॉल्स है, यानी कि देखो इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो माइक लगे हुए हैं, एक माइक नॉर्मल होगा, एक माइक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। सो एक छोटा सा माइक टेस्ट आपके सामने है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
ऑलराइट जी, तो ये है कुछ ऐसी इसकी ऑर्डर क्वालिटी, और अभी मैं इंडोर पे हूँ, ऊपर टाइम चल रहा है तो थोड़ा बहुत नॉइज मेरे पास मेरे आसपास है, एंड यू कैन जज द साउंड क्वालिटी। अब इसके बारे में आप मेरे को कॉमेंट कर देता हूँ। सो ओवरऑल जो माइक की क्वालिटी है वो एवरेज है, ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है माइक की। अगर आप इंडोर में माइक इसको यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट अगर आप आउटडोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन जरूर मिलेगा। सो इसकी एक छोटी सी ट्रिक थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी वाली, कि अगर आपने एक लगा रखा है ईयरबड और अगर आपको बात करनी है तो इस वाले ईयरबड को आप यहाँ रख के बात कर सकते हैं, क्योंकि माइक दोनों के अंदर है, इसके अंदर माइक है, इसके अंदर माइक है, सो दोनों माइक से आप ऐसे यूज़ करके बात कर सकते हैं। सो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को, बट आपकी मर्ज़ी है, सबकी अपनी अपनी पसंद है किस तरह से बात करनी है। नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन कंटेंट, जिसके बारे में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बोला गया कि इसकी जो बैटरी लाइफ है, क्योंकि साइज काफ़ी छोटा है तो सब सोचते हैं कि बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बट इसके अंदर कंपनी क्लेम 24 आवर्स का बैटरी लाइफ है। वो कैसे? क्योंकि जो ये हर एक बर्ड है, ये एक बर्ड का जो बैटरी बैकअप है वो 6 आवर्स का है, इसमें मैंशन है कि 6 आवर्स का बैटरी बैकअप है, और आप इन बर्ड्स को इस केस के थ्रू 4 बार चार्ज कर सकते हैं, तो टोटल 24 आवर्स का हो गया। सो बट अगर रियल लाइफ की बात करें, और अगर आप 70-80% पे सुनते हैं तो उसके कंपैरेटिवली, उसके रेस्पेक्टिवली आपका बैटरी बैकअप भी कम हो जाएगा। मैं तो सिर्फ 40-50% पे सुनता हूँ मैक्सिमम, मैं ज़्यादा नहीं सुनता, तो इसलिए मेरा बैटरी बैकअप मेरे को अच्छा मिल गया। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें, सो ये प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है, 1700 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट के अंदर। 1699 का मैंने लिया है, आज के डेट पर ये वाला प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1799 का, यानी कि 100 रुपये बढ़ चुका है। सो मैंने 100 रुपये के डिस्काउंट पे इसको परचेज़ किया था 3 दिन पहले, आज बढ़ चुका है प्राइस। सो आप चेक करते रहना, इसका प्राइस ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। सो ये था इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों से, और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ अनबॉक्सिंग से रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग से रिलेटेड। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गेम ओवर है, गो। सो अबे साथ